बात उन दिनों की है जब हम दोस्तों के साथ घूमने जाया करते थे। इस दौरान हम सारे दोस्त मिलकर खूब मस्ती भी किया करते थे। एक बार हम सब दोस्तों ने हायर सेकेंडरी के परीक्षा के बाद घूमने की एक बहुत बड़ी योजना बनाई। इस बार हम सबको गांव के पास के एक कोठी में जाना था। असल में इस कोठी के पास एक बहुत प्राचीन मंदिर था और उसके पास ही एक बड़ी सी नदी थी। कई लोग मंदिर तो जाते थे लेकिन उस कोठी में कोई नहीं जाता था। ऐसी एक कहानी चर्चा में थी कि जब ये मंदिर बन रहा था तब इस कोठी के राजा ने लक्ष्मी नाम के एक किन्नर की बलि दी थी और उस किन्नर ने उस राजा को श्राप दे दिया था। इस घटना के बाद उस राजा का पूरा साम्राज्य भी बर्बाद हो गया। लोगों का कहना है कि हर अमावस्या की रात उस कोठी से बहुत तेज चीखने चिल्लाने की और रोने के साथ साथ हंसने की भी आवाज़ें आती है। लोगों ने यह भी कहा है कि उन्होंने उस राजा के आत्मा को भी उस कोठी के आसपास देखा है, इसलिए कोई भी उस कोठी के अंदर जाने का हिम्मत नहीं करता। कुछ लोग तो बताते हैं कि वो कोठी अंदर से तो बहुत ही सुंदर है और आलीशान भी है। ये सब सुनने के बाद हम लोगों को भी उस कोठी को देखने का बहुत मन कर गया। एक दिन हम सब दोस्त मिलके रोहन के पापा के कार पे बैठे और निकल पड़े उस खूबसूरत और आलीशान कोठी की ओर। पर चौंकाने वाली बात तो ये थी कि हम लोगों को पता ही नहीं था कि आज अमावस्या है। जैसे जैसे हम लोग उस कोठी की ओर बढ़ रहे थे मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। हम लोगों को वहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई लेकिन उस कोठी को देखने की जिद भी थी। वहाँ के लोगों ने हमें वहाँ जाने से रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन हम नहीं माने। हम सब ने सोचा कि रात होने से पहले ही हम सब जल्दी से उस कोठी के अंदर जाएंगे और उस कोठी को देखकर वापस निकल आएंगे। लेकिन जैसे ही हम उस कोठी के अंदर गए उसके रौनक और चमक ने हमें वहाँ रुकने पर मजबूर कर दिया और देखते ही देखते पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई। हम सब अंदर ही थे और अचानक से उस कोठी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उस कोठी में हम लोगों के सिवाय कोई नहीं था। तभी अचानक से हमारे सामने एक बहुत ही अजीब सी और डरावनी सी दिखने वाली किन्नर आ गई। उस किन्नर की आंखें लाल थी, हाथ खून से सने हुए और उसके मुंह से खून टपक रहा था। उस किन्नर ने बड़ी ही डरावनी आवाज में हम लोगों से कहा, आ गए तुम लोग? अब कई दिनों तक मैं भूखी नहीं रहूंगी। इसके बाद वो किन्नर हमारी ओर बढ़ने लगी। तभी हमारा एक दोस्त उसके गिरफ्त में आ गया। वो उसे मारने ही वाली थी कि अचानक से वहाँ कोई मौलवी साहब आए और उन्होंने हमारे दोस्त को बचा लिया। हमारे दोस्त के साथ साथ उन्होंने हम सबको भी उस दुष्ट किन्नर आत्मा से बचा लिया। इस हादसे के बाद से हम कभी भी किसी भी अनजान जगह में नहीं जाते हैं।